दोस्तों ये राजा जैसलमेर का जो फोर्ट है उसके बाहर वाली ये मार्केट है, और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, और क्योंकि बहुत सारी जो जैसलमेर की पॉपुलेशन है वो अभी भी यहाँ पर फोर्ट के अंदर रहती है, इसीलिए इसको लिविंग फोर्ट का दर्जा प्राप्त है यूनेस्को की ओर से। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आज जैसलमेर टूरिज्म का हमारा पहला दिन है और आप देख रहे हैं आज हम जैसलमेर के इस किले में हैं जिसको कि जैसलमेर फोर्ट कहा जाता है, और ये इंडिया का एक लिविंग फोर्ट है, और पूरी दुनिया में बहुत सारे कम फोर्ट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग फोर्ट माने जाते हैं, और इसको सोनर किला भी कहते हैं और गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। इसको किंग महाराजा जैसल जो राजपूत के रूलर थे उन्होंने बनाया था, और जैसल महाराजा जैसल जी ने, इसलिए इसको जैसलमेर फोर्ट कहते हैं, और ये सारा आपको गोल्डन स्ट्रक्चर में नज़र आता है। तो अगर आप जैसलमेर आते हैं तो आपको जैसलमेर फोर्ट जो है आपके टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से नंबर एक ज़रूर होना चाहिए। हम यहाँ पर खड़े हैं जैसलमेर फोर्ट के ऊपर, और आपको पूरा जो जैसलमेर का एरिया है वो आपको नज़र आता है। हैरानी जनक बात यह है और बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर आज भी इस किले के अंदर जो लोग हैं, एक चौथाई हिस्सा जो है जैसलमेर के पॉपुलेशन का, वो यहाँ पर अभी भी बसता है, और इसीलिए इसको लिविंग फोर्ट मानते हैं, और जैसलमेर फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। जैसलमेर में सेकेंड टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, और यहाँ पर जितने भी लोग घूमने आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर अपनी आस्था को प्रकट करने आते हैं। सो अगर आपका जैसलमेर आना हुआ तो लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर ज़रूर होइएगा। आइए, दोस्तों अगर आप लोग जैसलमेर आते हैं तो जो यहाँ की एंटीक शॉप्स हैं वहाँ पर शॉपिंग ज़रूर कीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी तरह तरह की जो चीज़ें हैं, अगर आपने यहाँ की शॉपिंग मिस कर दी तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। सो जैसलमेर में आकर शॉपिंग ज़रूर कीजिएगा राजस्थानी चीज़ों की। थैंक यू दोस्तों, अगर आप जैसलमेर में आते हैं तो जैन मंदिर ज़रूर होकर जाइएगा, बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर होकर जाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैन मंदिर इन जैसलमेर। अब हम लोग अंदर जाएंगे, और यहाँ पर ये राजा जो जैसल थे उनका ये द्वार है, यहाँ से अंदर जाकर हम बाहर की ओर आएंगे। आइए चलते हैं। राजस्थानी फोक म्यूजिक अगर आपको पसंद है तो आपको जैसलमेर बहुत ही भाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी को प्यार करते हो और जैसलमेर घूमने आए हो, अगर वो आपके साथ है या नहीं है, फिर भी उनके लिए यहाँ से कुछ झुमके वगैरह ज़रूर लेकर जाइएगा। जैसलमेर फोर्ट के सामने आप देख सकते हैं झुमकों की कितनी खूबसूरत दुकान है, ये दे दीजिएगा। आज हमने राजा जैसल का जो महल था वो पूरा देखा, और जैसा आप देख सकते हैं आज हमारा जो डे वन था वो कम्प्लीट हो गया है। अब कल को हम लोग चलेंगे गडीसर लेक देखने जैसलमेर की में। थैंक यू। दोस्तों आज डे टू है हमारे जैसलमेर ट्रिप का, और आज हम लोग आए हैं गडीसर लेक। आप हैरान होंगे देखकर कि राजस्थान के बीच में, थार डेजर्ट के बीच में, इतनी बड़ी लेक जिसको राजा जैसलमेर ने बनाया था। और इस गडीसर लेक में बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। जैसे आप देख रहे हो वहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर इफ़ यू आर ए बर्ड लवर, अगर आप बर्ड्स लाइक करते हो
तो बहुत सारे पंछी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आते हैं गड़ीसर लेक में। सो अगर आपको बोटिंग पसंद है और अगर आपको एंजॉय करना चाहते हैं एक सीनिक माहौल सनराइज या सनसेट, तो गड़ीसर लेक जरूर आइएगा जैसलमेर में। अब हम लोग राजा जैसल का जो फोर्ट है उसके अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे जो आप ये देख रहे हो यहाँ पर राजा जैसल बैठ के अपनी मीटिंग करते थे और उस टाइम का ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर पुराने टाइम के अंदर कोई भी मैसेज अगर राजा जैसल ने देना होता था अपनी प्रजा को वो यहाँ से देते थे। ये पूरा गोल्ड की जो तार से काम किया जाता है, सोने से। पुराने समय में सोने और चांदी से काम किया जाता है पेचवर्क का। ये सोने और चांदी, ये सोने का काम किया गया पूरा गोल्ड का। दोस्तों यहाँ पर अभी हम जो राजा जैसल का जो फोर्ट है उसके टॉप पर आ गए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने भी वहाँ पे घर हैं वो सब आपको यहाँ से येलो नज़र आएंगे और इसको सोलर किला भी कहा जाता है। और जैसलमेर में बहुत सारे जो घर हैं ये इसी पत्थर के बने हैं जो येलो कलर का है और सिर्फ यहीं पर मिलता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह ये येलो ही येलो नज़र आएगा कलर। सो इसीलिए इसको गोल्डन सिटी भी बोला जाता है। थैंक यू। तो दोस्तों अगर आप लोग जैसलमेर में आते हैं तो यहाँ पर जो कचौरी का मज़ा है वो अलग ही है और ज़रूर आपको ये कचौरी टेस्ट करनी चाहिए। जो यहाँ की लोकल डिशेस है जैसे कि भोटवा लड्डू या इनका जो शाही पोहा है उसको ज़रूर चखिएगा, क्योंकि अगर आपने लोकल डेलिकेसीज का स्वाद नहीं उठाया तो जैसलमेर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आइए अब हम कुछ खाते हैं शाही पोहा। दोस्तों अब हम लोग जैसलमेर की इस जगह पर आ चुके हैं जिसका नाम है पटवा हवेली। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक हवेली नहीं है बल्कि 5 हवेलियों को मिलाकर एक हवेली बनी गई है और इसीलिए ये यहाँ की जैसलमेर की सबसे मशहूर हवेलियों में से एक है और सबसे पहले यही हवेली बनाई गई थी। आइए चलते हैं पटवा हवेली की ओर। दोस्तों अगर आप यहाँ पे जैसलमेर में आते हैं तो यहाँ का जो सबसे फेमस लड्डू है भोटवा लड्डू कहते हैं इसको और ये बनता है बूंदी से। ये इसके बारे में क्या फेमस है? जैसलमेर की फेमस मिठाई है। जैसलमेर की सबसे फेमस मिठाई है भोटवा लड्डू और बूंदी को कूट कूट कर बनता है। जैसलमेर में भी बनता है और कहीं नहीं बनता है। बहुत ही बढ़िया, जैसलमेर में ही बनता है। थैंक यू। थार डेजर्ट सब ड्यून्स इन राजस्थान। अगर आप लोग जैसलमेर आते हैं दोस्तों तो सब ड्यून्स जरूर होकर जाइएगा। ये बहुत ही एक प्यारी सी जगह है जहाँ पर आपको कैमल राइड्स मिलेंगी, डेजर्ट सफारीज मिलेंगी और आप अगर चाहें तो यहाँ पर रात को भी रुक सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लोकप्रिय जगह जैसलमेर थार डेजर्ट राजस्थान। अगर आप जैसलमेर की धरती पर आते हैं तो यहाँ पर पैरासेलिंग ज़रूर कीजिएगा। मुश्किल काम नहीं है, बस एक जज्बा चाहिए और बहुत ही सेफ है। जैसा पीछे देख रहे हो आप लोग, अब हम लोग वो ट्राई करने जा रहे हैं पैरासेलिंग। जब भी आपने पैरासेलिंग करनी है इसको पहले अच्छी तरह से टाइट कर लेना है इसको हार्नेस को, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अभी हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा ये बैलून होगा इसके अंदर ये हवा भरेगी और जैसे वो आसमान में उड़ रहा है उस साइड पे, तो वैसे गाड़ी के पीछे लगाकर हम लोग जाएंगे। अब देखिए किसी एक बंदे को करवाने के लिए कितने लोग लगते हैं। ऑन द वे टू लोंगेवाला ह्यूज कॉन्वॉय ऑफ इंडियन आर्मी व्हीकल्स एज यू कैन सी। जय हिंद। दोस्तों आज जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का जो स्टैचू है वो अनवील किया हम लोगों ने और 1971 की जो जंग थी लोंगेवाला की उसके अंदर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने 130 जवानों के साथ पाकिस्तान
की जो अटैक था उसको बहुत अच्छा करारा जवाब दिया और लौंगेवाला की पोस्ट पर डटे रहे। आज उनकी याद में यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा लाइफ साइज स्टैचू चांदपुरी मार्ग जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के अंदर लगाया गया है। सैल्यूट है ऐसे योद्धा को, ऐसे वीर को जिसने अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहे और अपने देश की हिफाजत के लिए हमेशा तिरंगे को अपनी आन बान और शान माना। जय हिंद। Began the famous battle of Longyearbyen. दोस्तों, ये लौंगेवाला धरती की वो मिट्टी है जिसमें जांबाज सिपाही पैदा हुए, जिसमें वीरता और अमरता की एक शौर्य गाथा पैदा हुई और आज इस मिट्टी को हम लोग अपने घर में लेकर जा रहे हैं और 120 जवानों की धरोहर जिसकी वजह से 1971 में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया बैटल ऑफ लौंगेवाला में। सैल्यूट टू मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके 120 जवानों को और इंडियन एयरफोर्स को जिन्होंने बैटल ऑफ लौंगेवाला में भारत का जो झंडा था उसको सब जगह लहराया। जय हिंद दोस्तों। आज हमने लौंगेवाला की इस धरती के ऊपर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी की जो शौर्य और वीरता की जो गाथा है, अमर गाथा, उसको एक बुक के जरिए हमने इसका जो आज ये पोस्टर लॉन्च किया है। ये जो बुक है ये आपको बताएगी जो 1971 में युद्ध हुआ था उसमें कैसे पाकिस्तान को उनके मुँह की खानी पड़ी थी और 120 जवानों ने कैसे देश की रक्षा की थी। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, द रियल स्टोरी ऑफ करेज, ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, द बैटल ऑफ लौंगेवाला। जय हिंद। दोस्तों, हम लोग तनोट माता के जो मेन मंदिर है आज अब वहाँ पर गए हैं। पहले हम लौंगेवाला पोस्ट के जो मंदिर था वहाँ पर गए थे, अब ये मेन मंदिर आए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे लौंगेवाला की जो चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं और बहुत सारे ऐसे बम भी हैं जो कि पाकिस्तान ने जब उनको गिरा युद्ध के दौरान, लेकिन वो फटे नहीं। आप वहाँ पर देख सकते हैं उनको। आइए दिखा दूँगा। तो ये वो सारे बम हैं जो कि युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर फेंके गए, लेकिन इनमें से कोई भी जो बम है वो तनोट माता की कृपा से फटा नहीं और किसी का नुकसान नहीं हुआ। इसी को आस्था बोलते हैं। दोस्तों, ये मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी के बारे में है जिन्होंने बैटल ऑफ लौंगेवाला के बीच में 120 सैनिकों का नेतृत्व किया और जिसके अंदर कि पाकिस्तान को उनके मुँह की खानी पड़ी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, महावीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, इंडियन आर्मी। दोस्तों, ये जो टैंक आप पीछे देख रहे हो ये शर्मन टैंक है और भारतीय सेना ने इसको कैप्चर करके यहाँ पे रखा है। 1965 और 1971 की जो जंग थी उसके बीच में पाकिस्तान ने ऐसे टैंक्स का भरपूर इस्तेमाल किया और जिसमें पाकिस्तान को फिर से हमारे जवानों की ओर से मुँह की खानी पड़ी। और सैल्यूट है ऐसे हमारे जवानों को और हमेशा की तरह उनको दिल से सलाम। दोस्तों, ये जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम का श्रद्धांजलि स्थल है उन जवानों को समर्पित, उन ऑफिसर्स को समर्पित जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सब लोगों के जो नाम हैं वो दर्ज हैं, यहाँ से लेकर जैसे कि परमवीर चक्र, अशोका चक्र, महावीर चक्र और जिनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं उन सभी के नाम यहाँ पर दर्ज हैं। दोस्तों, ये लोग वो हमारे वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए हमेशा तिरंगे का मान और सम्मान बनाए रखा और आन बान और शान के साथ अपने देश के लिए कुर्बानी दी। थैंक यू। दोस्तों, यहाँ पर जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम के अंदर एक आपको कुछ मिनटों के लिए यानी कि 15-20 मिनट के लिए एक फिल्म भी दिखाई जाती है इंडियन आर्मी के ऊपर,
ऑडियो विजुअल गैलरी में उसकी वो फिल्म जरूर देखिएगा, उसको मिस नहीं करना है। आपको पता लगेगा कि कैसे हमारे जो वीर जवान हैं अपने जान की बाजी लगाकर देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हमारा जो जैसलमेर का जो ये वॉर म्यूजियम का जो ये ट्रिप था, ये कंप्लीट होता है। और मैं आप सबसे फिर एक बार विनम्रता से विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर आप जैसलमेर आते हैं तो जैसलमेर वॉर म्यूजियम ज़रूर होकर जाइएगा। सिर्फ जैसलमेर वॉर म्यूजियम ही नहीं बल्कि लौंगेवाला का जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पर भी ज़रूर होकर आइएगा। ये वो शौर्य की अमर गाथा है, उन वीरों की अमर गाथा है जो कि हमेशा से आपको इंस्पायर करेगी, आपको मोटिवेट करेगी। कैसे 1971 में 120 जवानों ने मिलकर पाकिस्तान के 3000 से ऊपर सैनिकों का मुकाबला किया, जिसमें से कि बहुत ज़्यादा टैंक्स भी थे, और उसके साथ साथ जो इंडियन एयरफोर्स थी हमारी, जिन्होंने अपने हंटर एयरक्राफ्ट के साथ दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये आपको इंस्पायर करेगा और मोटिवेट करेगा। हमेशा से हमारे सैनिकों को, भारतीय सेना को, भारतीय नेवी को, एयरफोर्स को दिल से सलाम, जय हिंद। सो दोस्तों, हमारा जो जैसलमेर का ट्रिप था वो यहाँ पर ख़त्म होता है और बहुत ही मज़ा आया। आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आया होगा और हमने कोशिश की कि जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को शो कर सकें कि जैसलमेर में आकर आपको क्या क्या करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जो इंडियन आर्मी का जो वॉर मेमोरियल है वो ज़रूर देखें, और अगर हो सके तो लौंगेवाला जाकर भी जो म्यूज़ियम है उसको ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और आगे की अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल यूट्यूब के ऊपर।